अगर हम फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो फ्लेक्सिबल बजट में दो टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं नंबर वन इज ओनली यू हैव द अमाउंट कॉलम इन द क्वेश्चन एंड नंबर सेकेंड यू विल बी हैविंग अ पर यूनिट कॉलम आल्सो तो फ्लेक्सिबल बजट हम बनाने वाले हैं फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है एक्चुअली कि हमको अगर हम सिक्सटी की कैपेसिटी या फिफ्टी की कैपेसिटी से प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमको ये ये एक्सपेंसिस हो रहे हैं अगर हम हमारे कैपेसिटी को 50 परसेंट से लेके 60 परसेंट तक जाएंगे या 70 परसेंट तक जाएंगे या 90 परसेंट तक जाएंगे तो हमें कितने एक्सपेंसेस लगेंगे एज यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न बजट इज अ प्रेडिक्शन वी आर गोइंग टू प्रेडिक्ट अभी आपने देखा होगा कि यूनियन बजट लॉन्च होने वाला है तो यूनियन बजट अभी गवर्नमेंट uh, uh, हमें बताएगी कि ये हमारा इस साल का बजट है दैट इज जस्ट द प्रेडिक्शन कि वॉट एवर इनकम वॉट एवर रेवेन्यू द गवर्नमेंट इज अर्निंग उसके बेसिस पे गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे सिमिलरली हम हमारे कंपनी से रिलेटेड पढ़ते हैं तो कंपनी के रिलेटेड अगर बात करें तो कंपनी परसेंट कैपेसिटी पे जब काम कर रहा था तो कंपनी के ये ये एक्सपेंसेस थे तो अभी अगर कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है तो कंपनी के एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे उसके लिए फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर किया जाता है तो लेट अस स्टार्ट विद द पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं एग्जांपल वन

75% कैपेसिटी के बेसिस पे ये बताना है कि कंपनी अगर 60% कैपेसिटी पे काम करेगी तो एक्सपेंसेस कितना होगा और कंपनी अगर 80% के कैपेसिटी पे काम करेगी तो एक्सपेंसेस कितना होगा यही हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है वी हैव द वेरिएबल ओवरहेड्स गिवन सच एज इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर वी हैव सेमी वेरिएबल सेमी वेरिएबल का मतलब होता है पार्टली फिक्स और पार्टली वेरिएबल स्पेसिफिकली आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी में फोर्टी परसेंट फिक्स है सिक्सटी परसेंट वेरिएबल है रिपेयर एंड मेंटेनेंस में एट्टी परसेंट फिक्स है अगर एट्टी परसेंट फिक्स है तो वेरिएबल कितना होगा तो ट्वेंटी परसेंट वेरिएबल होगा और फिक्स ओवरहेड्स दिया है सैलरीज इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन ट्वेंटी फाइव थाउजेंड तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाएंगे देखो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले हेडिंग लिखना है In the books of dash, since the name of the company is not given, I have put dash over there. Then we have to write flexible budget for 75%, 60% and 80% capacity. 75% हमें दिया है तो हमेशा हम पहले कॉलम में जो दिया है वही इंफॉर्मेशन लिखेंगे और सेकेंड और थर्ड कॉलम में जो हमें प्रिपेयर करना है वो इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे लिखेंगे कॉलम्स देखो कैसे है पर्टिकुलर्स फिर 75 परसेंट का एक कॉलम 60 परसेंट का वी हैव टू प्रिपेयर 80 परसेंट का वी हैव टू प्रिपेयर ठीक है अभी सिंपल चीज है ध्यान से इसको कैलकुलेशन सीखेंगे देखो सबसे पहले हम वेरिएबल ओवरहेड्स मैंने फॉर्मेटिंग ऑलरेडी करके रखा है ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए देखो वेरिएबल ओवरहेड्स में अगर देखे तो वी हैव टू पॉइंट इनडायरेक्ट मटीरियल एंड वी हैव इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट मटीरियल इज सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इनडायरेक्ट लेबर इज 22500 पहले मैं इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर लेता हूँ ध्यान से काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पोस्ट के लिए 7500 और इनडायरेक्ट लेबर वास्ट पोस्ट के लिए 20500 अब 60% कैपेसिटी के लिए कैसे ढूंढना है देखो इसके लिए इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा अगर 75% के लिए सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इनडायरेक्ट मटीरियल है तो सिक्सटी परसेंट के लिए कितना होगा वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई सी बाई सेवेंटी फाइव तो सिक्स थाउजेंड सिक्सटी परसेंट के लिए ऑब्वियसली कम आएगा दैट विल बी सिक्स थाउजेंड ठीक है सेम पॉइंट यहाँ पे भी सेवेंटी फाइव परसेंट के लिए अगर सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड दिया हुआ है तो अभी हम कितना का ढूंढेंगे एट्टी एट्टी परसेंट के लिए हाउ मच तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको आंसर आ जाएगा एट थाउजेंड वेरी सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल ओवरहेड्स कैलकुलेट करते वक्त वी नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई सेवेंटी फाइव परसेंट का इंफॉर्मेशन हमें दिया था तो सेवेंटी फाइव परसेंट का सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है तो सिक्सटी परसेंट का कितना होगा सिमिलरली 75 परसेंट का 7500 है तो 80 परसेंट का कितना होगा तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा फिर सेकेंड का भी वैसे ही सॉल्व करो 75 परसेंट के लिए ट्वेंटी यहां पे लिखता हूँ 75 परसेंट के लिए 22500 दिया है तो फिर 60 परसेंट के लिए हाउ मच कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेकेंड में आ जाएगा एटीन ठीक है लिए 80% के लिए यहाँ पे दिख, दिखते हैं 75% के लिए 22500 दिया है तो 80% के लिए कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना है तो यू विल गेट द आंसर फॉर दिस आस 24000 कितना आएगा दैट विल बी 24000 इट्स वेरी इजी वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा कैलकुलेट करते वक्त आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल ओवरहेड्स का इंक्रीज या डिक्रीज हमेशा पर यूनिट में होता है तो वेरिएबल ओवरहेड सॉल्व करते वक्त पर यूनिट अगर नहीं दिया है तो कैपेसिटी से वी विल बी कैलकुलेटिंग हाउ टू कैलकुलेट बाय कैपेसिटी वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन अब सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड को अगर आप ऐड करोगे विल गेट दी आंसर एज थर्टी थाउजेंड सिक्स थाउजेंड प्लस एटीन थाउजेंड को अगर आप ऐड करोगे तो विल गेट दी आंसर एज ट्वेंटी फोर थाउजेंड प्लस यू विल गेट द आंसर दिस लास्ट में टोटल करते वक्त हमको सिंपल लगे कि अल्फाबेट ए फिर अल्फाबेट बी फिर अल्फाबेट सी तो आगे बढ़ते अभी कैलकुलेशन में जाएंगे सेकेंड हमारा पार्ट है सेमी वेरिएबल ओवर हेड्स सेमी वेरिएबल में पार्टली फिक्स होता है पार्टली वेरिएबल होता है तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स अगर आप ध्यान से देखो तो वी हैव इलेक्ट्रिसिटी गिवन तो इलेक्ट्रिसिटी कितना है फोर्टी परसेंट फिक्स है और सिक्सटी परसेंट वेरिएबल है पहले अमाउंट देख लेते थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड की आपके पास अमाउंट है तो कैसे करना है देखो इसको अगर थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड की आपके पास अमाउंट दी है तो पहले थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड का फोर्टी परसेंट ढूंढो तो आपको फिक्स का वैल्यू मिलेगा

ना इंक्रीज होते है ना डिक्रीज होते हैं तो हमें क्या करना है ये फिक्स वाला जो है इसको यहां पे सीधा देखेंगे हम तो यहाँ थाउजेंड के जगह पे थाउजेंड ही लिखेंगे और यहां पे भी आई आया तो कैसे करेंगे देखो सिक्सटी परसेंट ये जो सिक्सटी परसेंट है ये ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड की यहाँ पे वैल्यू है ये कितने परसेंट कैपेसिटी पे दिया हुआ है तो ये कैपेसिटी यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ध्यान सेवेंटी फाइव परसेंट कैपेसिटी के लिए अगर ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड है तो सिक्सटी परसेंट कैपेसिटी में कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको काफी सिंपल है ध्यान से सॉल्व करना इसको तो यहां पे आपको सेकेंड वाले में मिल जाएगा एटीन थाउजेंड ठीक है सिंपल कैलकुलेशन तो थर्ड के लिए कैसे ढूंढेंगे की value है तो 80 की है तो 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 हमारी कितनी होगी so that will be over here, तो यहां पे हम लिखते हैं चलो आगे बढ़े फिर next point में जाते हैं नेक्स्ट इज रिपेयर एटी परसेंट फिक्स है अमाउंट है थ्री सेवन फाइव जीरो चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है इलेक्ट्रिसिटी एक बार फिर से लिख देंगे ताकि टोटल करने में कोई दिक्कत ना हो हमको कोई प्रॉब्लम ना हो वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड नाउ तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा कितना था फिक्स यहाँ पे फिफ्टीन थाउजेंड था सिमिलर फिफ्टीन थाउजेंड ओवर हियर देन वी कैलकुलेटेड इट वॉज ट्वेंटी टू फाइव हंड्रेड फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो इसका सेकेंड का हमको कितना आया था एटीन थाउजेंड आया था थर्ड में हमको कितना मिला था इट वॉज ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस करेंगे सेम वे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का कितना था देख लो तो एक बार थ्री सेवन फाइव जीरो एट्टी परसेंट फिक्स है ठीक है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थ्री सेवन फाइव जीरो तो यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस थ्री सेवन फाइव जीरो एट्टी परसेंट फिक्स है तो यहां पे एट्टी परसेंट आएगा यहाँ पे ट्वेंटी परसेंट आएगा तो सेम ऊपर का कॉपी होगा यहां पे अलग से लिखता हूँ एट्टी परसेंट फिक्स है तो ट्वेंटी परसेंट क्या बनेगा वेरिएबल बनेगा तो परसेंट फिक्स है तो 20% परसेंट वेरिएबल बनेगा 3750 का पहले 80% परसेंट ढूंढ लेते हैं तो दैट विल बी 3000 थाउजेंड एज फिक्स जो फिक्स है वो सभी में फिक्स लिखना है 3000 3000 3000 तो वेरिएबल है 3750 का 20% परसेंट जो बच रहा है दैट इज 750 तो ये आपका वेरिएबल है कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेवेंटी फाइव के लिए यहां ऊपर लिखता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो सेवेंटी फाइव के लिए सात सौ पचास की वैल्यू है तो सिक्सटी के लिए कितना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको यहां पे आपको सेकंड में आ जाएगा दैट विल बी सिक्स हंड्रेड फिर सेम करना है सेवेंटी फाइव के लिए सेवन फिफ्टी की वैल्यू है तो एट्टी के लिए हाउ मच तो यहां पे आपको एट हंड्रेड आ जाएगा तो रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव डिस्कस all those expenses which are fixed in nature remain fixed in all the points. all those expenses which are variable in nature, we have to cross multiply and calculate. just take the total of all this now, 15, hundred three thousand and four one 3000 and 41 and that will be the total 41,250. the <daí> total, on total, total thirty-six to thousand six hundred. Fifteen thousand 24,000, plus 3,000, plus 800. यहाँ पे आ जाएगा फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड तो दैट वॉज पार्ट रिलेटेड टू योर सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स अब सबसे सिंपल है फिक्स ओवरहेड्स क्योंकि लिए कुछ कैलकुलेशन ही नहीं है फिक्स ओवर हेड्स सैलरीज एक लाख इंश्योरेंस पाँच हजार और डेप्रीसी पच्चीस हजार चलो इसको प्रेजेंट कर लेते हैं पहले सैलरीज हमारा सैलरीज है एक लाख इंश्योरेंस है फाइव थाउजेंड और डेप्रीसिएशन है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्या बताया था मैंने सारे एक्सपेंसेस जो फिक्स है सब में सेम रहते हैं वन लाख वन लाख वन लाख फिर यहाँ पे फाइव थाउजेंड फॉर इंश्योरेंस भी सेम रहेगा सब में और यहाँ पे पच्चीस हजार वो भी सेम रहेगा सब में ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव अब इनको ऐड करना है इनका टोटल आपको मिल जाएगा टोटल फिक्स ओवरहेड्स दैट विल बी थाउजेंड यहाँ पे भी आपको मिलेगा वन लैख थर्टी थाउजेंड एंड सेम यू आर गोइंग टू गेट वन लैख थर्टी थाउजेंड ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वन लैख थर्टी वन लैख थर्टी एंड वन लैख थर्टी देन फर्दर दिस इज सी हमने क्या कैलकुलेट किया था हमने ए कैलकुलेट किया है टोटल वेरिएबल बी कैलकुलेट किया है टोटल सेमी वेरिएबल और सी कैलकुलेट किया है टोटल फिक्स अभी आपको क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी आपको ऐड करना है क्या करना है ए प्लस बी प्लस सी आपको ऐड करना है यू विल गेट द आंसर एज टोटल कॉस्ट एंड फर्स्ट के लिए आता है टू लैक्स वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी सेकेंड के लिए आएगा वन लैख नाइन्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फॉर सेकेंड फिर थर्ड के लिए आएगा टू लैक फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फॉर थर्ड तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है फ्लेक्सिबल बजट का ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको से याद रखना है दैट इज सेमी वेरिएबल और वेरिएबल जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम उसको सॉल्व कर सकते थैंक यू ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर